जब मित्र राष्ट्रों ने दूसरे विश्व युद्ध के अंत में कंसंट्रेशन कैंपों को मुक्त कराना शुरू किया तो उन्होंने जो देखा उससे वे सब भयभीत हो गए। उन्हें हर जगह लाशों के ढेर और चलते फिरते मानव कंकाल मिल रहे थे। ये सभी नाजियों के कंसंट्रेशन कैंपों के कैदी थे जो भुखमरी, मारपीट, कड़ी मेहनत और भारी यातनाओं से पीड़ित थे। ये सभी नाजी कंसंट्रेशन कैंप के एक कुख्यात और क्रूर महिला एसएस गार्ड जोहाना बोरमेन की दुष्टता का शिकार हुए थे। जोहाना बोरमेन ने कैदियों के खिलाफ हद से ज्यादा अपनी क्रूरता प्रदर्शित करती थी। जोहाना बोरमेन कभी भी कोई शिक्षा प्राप्त नहीं की क्योंकि वह कभी भी कोई स्कूल गई ही नहीं। जोहाना बोरमेन शायद ईसाई धर्म को अपना धर्म मानती थी परंतु स्पष्ट रूप से यह नहीं पता था कि वह असल में किस धर्म को अपना धर्म मानती है। जोहाना बोरमेन का व्यवहार बहुत बेकार था। उसने पैसों की वजह से नजरबंद शिविरों में नौकरी की और उसने तीन सबसे खतरनाक नजरबंद शिविरों जैसे रेबन्सब्रुक, ऑस्विट्ज़ और बर्गन बेल्सन जैसे कंसंट्रेशन कैंपों में काम किया। उसे जेल के कैदी द ओमेन विद द डॉग कहते थे क्योंकि वह कैदियों को अपने कुत्तों के साथ प्रताड़ित किया करती थी। वह अपने कुत्तों को अपने हथियार के रूप में इस्तेमाल करती थी जिसे वह बिग बैंड बुलफाउंड कहती थी। बोरमेन ने सबसे कमजोर और सबसे बीमार कैदियों को बहुत ज्यादा टॉर्चर करती थी। जब शारीरिक थकावट के कारण कैदी काम नहीं कर पाते थे तो वह कैदियों को बुरी तरह से पीटती और अपने कुत्तों से उन पर हमला करवाती थी। युद्ध के अंतिम क्षणों तक उसने सारे कैदियों को बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित किया था। जोहाना बोरमेन को उसके बॉस जोसेफ क्रेमर और इर्मा ग्रेस सहित अन्य कुख्यात सहयोगियों के साथ उस पर मुकदमा चलाया गया। बर्गन बेल्सन परिसर में उसने अपने खिलाफ लगाए गए किसी भी आरोप को स्वीकार नहीं किया। जीवित बचे लोगों की भीषण गवाही के आधार पर ही उसे दोषी पाया गया और फांसी की सजा सुनाई गई। वह 52 वर्ष की थी जब उसे 13 दिसंबर 1945 को फांसी दी गई थी। फांसी से ठीक पहले वह बूढ़ी और थकी हुई लग रही थी। उसने फांसी से पहले बस इतना कहा कि आई हैव माई फीलिंग। उसकी कुख्यात क्रूरता के कारण उसके आगे पीछे कोई नहीं था, इसीलिए किसी को भी उसके मरने पर कोई भी दुख नहीं हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।